कर्नाटक में लगभग 9.5% की इंक्रीज दर्ज की जा रही है, महाराष्ट्र में 11.5% की डिक्रीज है, तमिलनाडु में 18% की डिक्रीज है और दिल्ली में लगभग 50% की इंक्रीज है। ये 50% इसलिए दिख रहा है क्योंकि अचानक दिल्ली में मृत्यु बढ़ी है। आप सब लोग अवगत हैं कि लगातार न केवल एक्टिव केसेस की संख्या दिल्ली में घट रही थी बल्कि मृत्यु की संख्या भी घट रही थी, लेकिन पिछले कुछ सप्ताहों से दोनों पैरामीटर्स पर, यानी एक्टिव केसेस के पैरामीटर पर भी और मृत्यु के पैरामीटर पर भी बढ़ोतरी हुई है। और उसको देखते हुए भारत सरकार के गृह मंत्रालय के नेतृत्व में फिर से दिल्ली सरकार के साथ एक्टिव इंगेजमेंट करके हम कदम उठा रहे हैं। दिल्ली के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर के स्तर पर भी बैठकें हुई हैं। देश में 5 राज्य ऐसे हैं जहां की 62% एक्टिव केसेस का इन 5 राज्यों में है। और एक्टिव केस जब हम आपको कहते हैं तो ये 8,15,538 हैं, जैसा मैंने पहले निवेदन किया। तो 8,15,000 जो एक्टिव केस हैं उनके लगभग 25% केस केवल एक राज्य में हैं, महाराष्ट्र में, और लगभग 12.5% केस आंध्र प्रदेश में हैं, लगभग 12% केस कर्नाटक में हैं, लगभग 7% केस उत्तर प्रदेश में हैं और लगभग 6.5% केस तमिलनाडु में है। तो इस प्रकार 5 राज्य मिलकर देश के कुल एक्टिव केसेस का 62% इन 5 राज्यों में है। 5 राज्य हैं जहां देश के कुल कोविड से होने वाली मृत्यु का 70% मृत्यु होती है। महाराष्ट्र में देश की कुल मृत्यु का 37.39% हो रहा है, तमिलनाडु में 11.16, कर्नाटक में 8.83, दिल्ली में 6.65, आंध्र प्रदेश में 6.12 और जो अवशेष लगभग 30% मृत्यु हैं वो देश के अन्य जिलों में हो रही हैं। लेकिन ये भी, जैसा मैंने आपको बताया, ये तस्वीर का एक पहलू है एब्सोल्यूट नंबर्स के आधार पर। If we look at the total number of deaths caused by COVID-19 in the country, then these 5 states account for 70% of total deaths. जिस प्रकार से टेस्ट की संख्या बढ़ रही है उसी प्रकार से रिकवर होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। मई में 50,000 थे, जून में 1,00,000 हुए, 19 अगस्त को 20,00,000 हुए और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं उस समय यह संख्या 29,70,000 से अधिक हो गई है। ये जो मैं आपको अभी निवेदन कर रहा था कि रिकवर्ड केसेस 29,70,492 हैं और जो एक्टिव केसेस हैं, यानी जो केसेस अस्पताल में हैं या घरों में हैं, होम आइसोलेशन में अंडर मेडिकल मॉनिटरिंग, वो 8,15,538 हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो रिकवर्ड केसेस हैं वो 3.5 गुना से ज़्यादा हैं एक्टिव केसेस के। देश में सिंगल डे की हाईएस्ट रिकवरी कल रिकॉर्ड की गई, जबकि 68,584 व्यक्ति रिकवर हुए। पिछले 24 घंटों में 11,00,000 से ज़्यादा टेस्ट देश में किए गए, 11,72,000 टेस्ट पिछले 24 घंटे में हुए, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है।